बेगूसराय में घर के पास एक युवक का अपहरण कर लिया गया है और अपहरित युवक की बरामदगी को लेकर परिजन स्थानीय लोगों ने NH-28 को जाम कर हंगामा किया। ये घटना तेगड़ा थाना क्षेत्र के आधारपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि रजनीश कुमार बीते शाम अपने घर से किसी साथी से मिलने की बात कहकर निकले थे और फिर वापस नहीं आए। परिजनों ने अपहरण का आरोप लगाया। गौरतलब है कि रजनीश कुमार के पिता मुकेश कुमार सिंह की 10 साल पहले अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। परिजनों ने अपहरण की आशंका के साथ साथ सड़क को जाम कर युवक की बरामदगी की मांग की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बेगूसराय से संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, युवक की बरामदगी को लेकर लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और जमकर हंगामा भी कर रहे, फिलहाल क्या स्थिति है और पुलिस किस तरह से तफ्तीश कर रही है पूरे मामले की? तेगड़ा थाना पुलिस रात में सूचना मिलने के बाद से लगातार कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन अभी तक पुलिस का कोई कार्रवाई दिख नहीं रहा है। इसी से नाराज होकर स्थानीय लोग और जो अपहृत रजनीश कुमार के परिजन है उनके द्वारा NH-28 को जाम किया गया है। पूरा मामला तेगड़ा थाना क्षेत्र के आधारपुर गांव से जुड़ा हुआ है। यहां आधारपुर गांव में अपने नानी के घर में रह रहे रजनीश कुमार का कल रात करीब 9 बजे आसपास घर से किसी ने बुलाया, उसके बाद उसका अपहरण कर लिया। परिजनों का कहना है कि रजनीश कुमार के पिता की 10 साल पूर्व हत्या उनके गांव बछवाड़ा थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में कर दी गई थी, जिसके बाद वह बेटा अपने ननिहाल में ही घर बनाकर पिछले 10 वर्षों से रह रहा था। अब एक बार फिर रजनीश की का अपहरण कर लिया गया है तो परिजनों में काफी डर का माहौल है। परिजन लगातार पुलिस से अपहृत रजनीश की बरामदगी की गुहार लगा रहे हैं। इसी को लेकर स्थानीय लोगों के साथ NH-28 को जाम किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 10 साल पहले पिता की मौत के बाद आज बेटे की जिस तरह से अपहरण हुई है, परिवार वाले किसी अनहोनी को लेकर चिंता में है और जल्द से जल्द युवक की सकुशल बरामदगी की पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, हंगामा भी कर रहे हैं, आक्रोशित भी है, सड़कों को भी जाम कर दिया है।